गलतियां भी होगी, गलत समझा भी जाएगा। गलतियां भी होगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है जनाब। तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। तो इन्हीं बेहतरीन लाइनों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए जनरल साइंस। उस जनरल साइंस में हमने पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर परमाणु व अणु, मॉलिक्यूल एंड एटम। देखो अभी तक हमने क्या बात कर ली थी, हमने अभी तक पिछले लेक्चर्स में, दो लेक्चर्स में बात कर ली थी। हमने स्टार्ट की थी हमारी कहानी 1808, जाट के ठाट 1808। इस टाइम कौन आए? जॉन डाल्टन आए। ठीक है, जॉन इब्राहिम नहीं, जॉन डाल्टन आए। इन जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है, एटम होता है, नॉन ब्रेकेबल जो पार्टिकल है किसी भी मैटर का, दैट इज एटम। ठीक है, 1808 के बाद कुछ चीजें और हुई। डाल्टन के बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। डाल्टन ने ये अपना एक मॉडल भी दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी अपने इसकी, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि परमाणु में कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। फिर भाई साहब क्या है, जे.जे. थॉमसन आए, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इन्होंने क्या कहा? जे.जे. थॉमसन बहुत इंपॉर्टेंट। ये कब आए थे? 1886 में। तो कौन आए थे? गोल्डस्टीन ने बताया था 1-8, इसमें एक जोड़ो 9, इसमें एक जोड़ो 7, है ना। 1897 में जे.जे. थॉमसन ने किसकी खोज कर दी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक साल बाद 1898, सन याद नहीं करने, याद रह जाए तो बढ़िया है। उन्होंने एक मॉडल दिया था, प्लम पुल्डिंग मॉडल, जो कि फेल हो गया था। उसके बाद कौन आए? रदरफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड। इसने क्या कहा? इसने, भाई साहब ने कहा कि ये, इन्होंने एक प्रयोग किया था, क्या? अल्फा कण की परंपरा दी की थी, किस पे? सोने की पन्नी पे। यहाँ पे किसका लगाया था? जेडे ने, सेनी जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया था। ये मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, डिटेल में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, पिछले लेक्चर देख लो, जाके प्ले लिस्ट पे जाओ और सर्च करो, या प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी अपने फर्स्ट ग्रेड जनरल साइंस नाम से, वहां पे मैंने लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ लगातार। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सोने की पन्नी थी, इससे पता क्या चला? इससे पता चला था, क्या पता चला था कि इतना पता चल गया था कि जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसका जो मेन है, मेन क्या? पॉजिटिव भाग, वो इसके क्या होता है? केंद्र में होता है। ये सारा क्या होता है? पॉजिटिव, सारा केंद्र में होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाते हैं? चक्कर, बाहर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये बात की। फिर ये फेल हो रहा था, कहाँ कि यार ये चक्कर लगा रहे हैं तो चक्कर कहाँ के अंदर क्यों नहीं गिर जाते? तो उसका खंडन करते हुए किस, कौन आया था? नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या कहा भाई? नील्स बोर ने कुछ नहीं कहा। नील्स बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित ऊर्जा स्तर पे ही क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो निश्चित ऊर्जा स्तर है उनको क्या कहा जाता है? कोक्स कहा जाता है, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, उनके नाम क्या दिए थे? KLMN या 1 2 3 4। उसके अलावा क्या बताया था? उसी कोक्स में या उसी ऊर्जा स्तर में वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग NH/2π हो, यानी H/2π का क्या हो? गुणज हो। ठीक है, ये बातें हमने अभी तक कर ली थी, उसका थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है ना, तभी चीजें समझ में आई। अब आगे बात करते हैं, कुछ और चीजें हैं उससे, मतलब और कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ और बातें की थी, परंतु उससे पहले थोड़ा देखते हैं आखिर परमाणु है क्या, है ना। जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% लिखा के ले लो मेरे से, है ना। बोली 1000 रुपए का स्टाम्प ले आना। देखो क्या कहानी कह रहा हूं, इस तरह क्या होता है? एटम। ठीक है, एटम में क्या होते हैं? अलग अलग ऊर्जा स्तर पर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंदर क्या है? अंदर है भाई साहब पॉजिटिव। ठीक है, अंदर पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव का क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। इसको क्या कहते हैं? नाभिक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होता है एक तो भाई साहब होता है प्रोटोन, और एक भाई साहब जिसका नाम अभी तक नहीं सुना आपने, वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है, दो होते हैं न्यूट्रॉन। कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा कि न्यूक्लियन, हिंदी वाले भी ध्यान रखना, न्यूक्लियन में कौन कौन आते हैं? न्यूक्लियन में कौन कौन आते हैं? ऑप्शन दे देगा, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन न्यूट्रॉन, प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दोनों तीनों सॉरी, या केवल प्रोटोन। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनते हैं?
न्यूक्लियॉन कहलाता है। न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स किने कहते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। इंग्लिश वालों को तो कोई कंफ्यूज नहीं होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन, इसमें प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन होता है। परंतु हिंदी वालों को कंफ्यूजन हो जाता है और हिंदी में यही लिखा हुआ आता है न्यूक्लियॉन में कौन कौन होते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इस प्रोटोन की क्या कहानी है। प्रोटोन में आवेश होता है पॉजिटिव। आपने देखा है तार तार है ना, आप कभी भी वायरिंग करते हो घर पे है ना, तो कहते हो ना कि यार ओ एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक न्यूट्रल है ना, यही करते हो घर पे। दिन में कभी आपने एसी लगाई हो, कभी बड़ा फ्रिज व्रिज लगाया हो, तो आप क्या कहते हो इसमें एक जैसे लाल एक काला कलर का बनाऊंगा एक वायर, एक सॉरी एक काला एक नीला एक हरा, तीन वायर होते हैं, एक क्या होता है पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। यही कहानी जो तारों की होती है वही कहानी किसकी होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होती है। ठीक है, प्रोटॉन में क्या आवेश होता है, धनावेश। ठीक है, हमें पता है, हमने देख लिया था। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणावेश। तो न्यूट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझते हो, उदासीन। हिंदी में क्या आया, उदासीन। तो न्यूट्रल क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनावेश होता है जिनपे। ठीक है, इनके बारे में और बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। बाहर क्या चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं है ना, ये इलेक्ट्रॉन बैठे बैठे मजे से चक्कर लगा रहे हैं। इधर चारों तरफ क्या रहते हैं, कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, परंतु अंदर नहीं गिरते। ठीक, इस पे यानी इलेक्ट्रॉन पे कौन आते हैं कि हम ऐसे बनाते हैं, यानी क्या है, नेगेटिव ऋण आवेश। इस पे क्या है, ऋण है भाई साहब, ऋणा वैसे। प्रोटॉन के पास बहुत ज्यादा धन है और इसके पास क्या है, कुछ नहीं, न्यूट्रल है। तो देखो, जो खुद ऋण में है, जो खुद ही कर्जे में है, उसका क्या भार होगा। कोई सोसाइटी में हम कहते हैं ना, ये देखो ये हमारी विडंबना ही है कि हम क्या मानते हैं, जिसपे कर्जा होता है उसके पास कोई नहीं जाता ना, उसके पास कहता है नहीं नहीं ये बड़ा पैसा मांग लेगा है ना। तो यही कहानी समझ दो, ऐसा ही इसमें भी यही है। जो ऋणावेश है ना, तो इसमें कोई भार नहीं होता, इसकी बात में भार नहीं होता, तो इसका भार बहुत कम होता है। देखो ये चीजें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बन के आ जाती है। और इसके पास धनावेश है, धनावेश यानी धन है भाई साहब, अरे वाह, धनावेश है मतलब ये तो जो कह देगा वो सही है ना। ऐसे ना कि आज अंबानी कुछ आके कल कह दे कि यार हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए, तो सारी चर्चा लग जाएंगी, और हम जैसे कुछ कहेंगे तो यार इसकी बात पे कोई बात नहीं करेंगे है ना। तो वैसी कुछ धनावेश है, तो इसमें बहुत भारी होता है, इसकी बात क्या है, बहुत भारी है। इस चीज को ध्यान रखना, मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, यूज करूंगा मैं इस चीज को। और उदासीन का तो भैया कुछ कह नहीं सकते, देखो मोदी जी उदासीन, पैसे वाले नहीं है, परंतु नहीं है तो बात में दम तो है, बात में तो दम है। तो ये भी क्या होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा इनकी कहानी पूरी अच्छे से। इतना ध्यान रखना, ऋणावेश यानी जब हम परमाणु का भार लेंगे ना, तो ये तो ऋणावेश है यार, इसका क्या तो भार लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे चक्कर खाते रहेंगे। मेन तो जो हिस्सा है ना वो यहाँ, अंबानी साहब तो यहीं बैठे हैं ना, अंबानी तो यहीं बैठे हैं, तो हम केवल भार किसका लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ध्यान रखना ये। ठीक है, अब मैं एक लिस्ट बनाने वाला हूँ, एक चार्ट बनाने वाला हूँ, उसमें इन तीनों के बारे में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे डिटेल में फाड़ डालेंगे आज, है ना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। समझ में आ गई होगी कहानी, क्या होता है नाभिक, क्या होता है परमाणु, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा स्तर हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूक्लियॉन क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उदासीन और सब। ठीक है, आगे बात करते हैं इस चार्ट के साथ। तो ये वो चार्ट है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा, अच्छे से चर्चा करेंगे, इसको याद कैसे करना है, इससे क्वेश्चन के साथ है, सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ध्यान अपना पूरा बनाए रखो। देखो अभी हमने देखे कि मूलभूत कण कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखो त्रासदी ये होगी थी कि सबने कह दिया कि परमाणु सबसे छोटा कण है, उसको और नहीं तोड़ सकते, और नहीं तोड़ सकते, और नहीं तोड़ सकते, तो ये तो चर्चा हर जगह चली गई। अब जैसे कह देना मोदी लहर मोदी लहर मोदी लहर, सब जगह मोदी लहर है ना। अब कोई अपोजिट कुछ कहेगा, कुछ और कहेगा, तो उसकी बात को दबाया जाएगा, तो कोई जरिया तो निकालना पड़ेगा ना। इसीलिए क्या हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनको हमने तो नाभिक को क्या, परमाणु यानी एटम को तोड़ दिया है, तो इनको क्या नाम दिया जाए, तो इनको क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है इनको, सब एटॉमिक पार्टिकल। हिंदी में भी ऐसे ही होगा, हिंदी में साहित्य कहते हैं उप परमाणवीय मूलभूत कण है ना, उप परमाणवीय कण। ठीक है, तो ऐसा कोई नाम आ जाए तो समझ लेना है बात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कर रहा है, यानी सब एटॉमिक अपने पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन है,
प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अब इनकी चर्चा करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन, पहले बात करता हूं खोजकर्ता, इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, है ना, ट्रिक बता देता हूँ, डिटेल में अभी समझाऊंगा। इथे पगोता पर नारद नाचे, इथे पगोता पर नारद नाचे, ये माइंड में रखना, अभी ट्रिक बताऊंगा इसकी। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हमें पता है, हमें ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, हमें पता है जेजे कौन है, जेजे थॉमसन है, ठीक है, हमें पता था थॉमसन ही तो सबसे पहले वो दिया था प्लम पुडिंग वाला, और इसी टाइम इसने क्या खोज लिया था, इलेक्ट्रॉन खोज लिया था, ठीक है, हाँ, और इसी कारण इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। फिर मैं अगर बात करूं प्रोटॉन की, देखो खोज तो कर ली थी गोल्डस्टीन ने, पर तो नाम नहीं दे पाया, वो तो कह रहा था कुछ नावेस है, इतना पता है मुझे, पर तो असली नाम, असली खोजकर्ता किसको मानते हैं, रदरफोर्ड को कहते हैं। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा, दोनों ऑप्शन में मिले तो गोल्डस्टीन लगाना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो रदरफोर्ड अब यूं कहते हैं कि प्रोटॉन का नामकर्ता कौन है, और दोनों ऑप्शन में दिए हुए तो क्या आएगा, रदरफोर्ड। नाम तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने ही दिया था, परंतु खोज पहले गोल्डस्टीन ने कर ली थी, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में लिख दिया मैंने। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैंडविक ने की थी, चैंडविक, ठीक है, याद कर लो, जेम्स चैंडविक ने की थी किसकी, न्यूट्रॉन की खोज, कब की थी ये ध्यान रखना, 1932 में की थी, पता नहीं इसके साथ क्या पंगा है, बहुत बार पूछा गया है कब हुई थी खोज, 1932 में, बाकी ये भी देख लो 1919 में हुआ था ये खोज करता, और ये कब हुआ था हमने अभी देखा था 1887 था क्या, या 86-87 के आसपास था, है ना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, सन नहीं पूछता इतना, परंतु इतना ध्यान रखें 86 अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी। अब देखते हैं यार आगे, देखते हैं आगे, ये बात करता हूँ, सॉरी 86 में तो गोल्डस्टीन ने की थी, ये कब हुई थी 1897 में, सॉरी, है ना, 1886 में तो गोल्डस्टीन ने कहा था कुछ धनावेश होता है, 86 में 97 में आ गया, ठीक, चलो जेम्स चैंडविक हो गया। अब देखते हैं आवेश, हम इतनी देर से कह रहे हैं कि आवेश है इस पे, धनावेश है, ऋणावेश है, पर है कितना ये तो बताओ। तो देखो पहली चीज तो आवेश को नापते किससे, जैसे मैं कह रहा हूँ वजन को नापना है तो क्या कहोगे कि 2 kg लाए, तो 2 kg नापने का एक जरिया है किसको, वजन को। वैसे ही आवेश को जो नापने की इकाई है वो है कूलाम, सीबी से डिनोट करते हैं उसको, कूलाम। तो देखो धनावेश के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश बराबर होता है, तभी तो अपने क्या है वो परमाणु क्या है, क्या है परमाणु, उदासीन है, ठीक, ज्यादा तेज बोल रहा हूँ ना मैं आज, फट ऐसे बोले जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है क्या, कमेंट करके बताया तो करा करो यार कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, हैं कमेंट वमेंट करते नहीं हो, हैं मजे लेते बैठ के, हैं पढ़ाई करनी नहीं है क्या, हैं तो कमेंट किया करो, थोड़े कमेंट किया करो, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर लिया करो यार, लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें लगता है कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं जिसका किसी को फायदा हो रहा है, ठीक है, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मत करो लाइक, सिंपल सी बात है ना, है नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, जरूरी है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ चिट्ठी आई है, क्लास लाइए, ठीक है। चलो अब थोड़ा आराम से समझाता हूँ ना, तेज ज्यादा हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे आवेश तो समान होता है, जैसे मैं कह दूं 1 kg है तो इस पे भी 1 kg, पर इनका आवेश अलग अलग तरह का होता है। एक तो क्या होता है, प्रोटॉन पे इतनी देर से बात कर रहे हैं पॉजिटिव होता है, धनावेश होता है, इस पे क्या होता है नेगेटिव यानी ऋणावेश होता है, ठीक है, होता कितना है ये समझो। देखो इस चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो इतना ध्यान रखो, इसमें जो भी वैल्यू है ना या तो एक आएंगी या फिर तीन का गुणज आएंगी, समझना इस चीज को। जैसे मैं आवेश कहता हूँ 1.6 यानी 1 है मुझे चलता है, 6 तीन का गुणा है, 3 2 नीचे होते हैं, इंटू 10 की पावर में होती चीजें, 1 1 चलता है, 9 क्या है, 3 का गुणज, यानी इसमें क्या चलेगा, या तो क्या आएगा जिसे ऑप्शन में दे दिए 1.6 10 की पावर -18, 1 चलेगा पर तो 8 नहीं होता, 3 का गुणन, ऑप्शन गलत हो गया, 10 की पावर -16 नहीं चलेगा, 6 नहीं 16 की तो होता है, फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई 16 का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे 15 हो गया है ना तो 5 नहीं होता, तो इतना ध्यान रखो 1.6 10 की पावर -19 इसका याद हो गया, सेम इसी का है परंतु चिन्ह चेंज करना है, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और न्यूट्रॉन तो क्या है 0 है, वो कहता है मैं मोह माया त्याग चुका हूँ भाई,
मुझे तो पता नहीं इस चैम जीबी ने कैसे खोज लिया, मैं तो हिमालय में बैठा था। ठीक है, तो इस पे क्या है, जीरो है। आगे बात करते हैं भार। देखो भार सिंपल सिंपल यदि ऊपरी तौर पे पूछ लिया जाए तो हम किस पे नापते हैं, केजी में। और इनका वजन बहुत कम होता है, ये तो लाइट वेट होते हैं, है ना ना, डाइटिंग में ये तो पता नहीं जन्मों जात से डाइटिंग पे चल रहा है। देखो वजन, देखो इसका याद रखना इतना है, 9.1, है ना, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। 10^-31 kg ये हुआ वजन केजी में। 9 क्या होता है, 3 का गुणज, या फिर क्या आ सकता है 1। 10^3, 3 का गुणज 1 आ सकता है। तो 9.1 × 10^-31 kg वजन होता है, इतना समझे। ठीक है, ये क्या होता है, इसको याद करोगे 1.6, आगे नहीं याद करना, 1.6 या 1.7 भी आ सकता है, × 10^-27। ठीक है, अब उल्टा हो गया ना, चलो कोई नहीं, 1.6, 1 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 10^-27, -27 भी क्या होता है, 3 का गुणज होता है। तो ये याद करना है, याद करने पड़ेंगे। देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, इसका लो स्क्रीनशॉट, अपने मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है उसको बना लो, 10-15 दिन देखोगे एकदम माथे में घुस जाएंगे चीजें। यही तरीका होता है, दी बेस्ट तरीका यही लगता है हमें, तो आपकी अपनी मर्जी है, है ना। इसकी स्क्रीनशॉट लो, मैं स्क्रीनशॉट, चलो मैं डाल दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, हाँ अपने उसमें डाल देंगे, बट किसमें, टेलीग्राम में और फेसबुक पे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ जाओ। चलो, ऐसा ही वजन जो इसका होता है वही वजन इसका होता है, लगभग बराबर होते हैं, इनका भार लगभग बराबर होता है, एकदम तो बराबर नहीं होता इन दोनों का भार, परंतु लगभग बराबर होता है। अब देखो इसमें सबसे भारी कौन, ये, उससे हल्का कौन, थोड़ा सा हल्का कौन, ये, और सबसे हल्का कौन, ये। तो प्रोटॉन सबसे भारी होता है, सारा वजन इसी में है, क्योंकि इसमें क्या है, धनावेश है। ये देखो, ये तो अंबानी है, तो सबसे ज्यादा वजन इसी में होगा, मैंने कहा था अभी, अंबानी के बाद न्यूट्रल, जो अपने जैसे जिन पे कर्जा दर्जा नहीं है, है ना, है ना, तो कर्जा दर्जा नहीं है तो वो, उसके बाद उनकी बात सुनी जाती है, और जिन पे कर्जा है ही, ऋणावेश है, ऋण ऋण तो उतारो, आग ले रहो है, ऋण उतार नहीं रहे, बातें कर रहे हैं बड्डी बड्डी, है तो सुना कोई कौन नहीं, तो उससे नीचे कौन होंगे, ये हो, यही बात है। ठीक है, तो सबसे भारी कौन, ये, फिर ये, और फिर ये इससे कितना भारी है, ये इस, सॉरी, ये प्रोटॉन इससे कितना भारी है, तो कहते हैं, जैसे मैं कहूं आपको कि ये पेन है 10 केजी का, ये पेन है 2 केजी का, तो ये बताओ ये किससे कितना गुना भारी है, तो आपको क्या कहूंगे, 5 गुना भारी है ना, 5 गुना भारी, ये 2 का है, ये 10 का, तो कितना गुना भारी, 5 गुना भारी। ऐसे ही ये इससे कितना भारी है, तो आंसर आ जाएगा 1837 गुना भारी है, ये 1837 गुना क्या है, भारी है। या फिर मैं ये कह दूं ये इससे कितना हल्का है, जैसे ये 2 का था, ये 10 का था, मैं कहूँ ये कितना हल्का है, 1/5 हल्का है, 1/5 भाग हल्का है, ऐसे ही कहानी इसमें। ये अपेक्षिक क्या है, अपेक्षिक भार, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो, अपेक्षिक भार क्या होता है, तुलनात्मक भार, हम कंपेरिजन कर रहे हैं, हम इसको क्या मान रहे, 1 मान रहे, ये 1 है तो ये भी बराबर है, तो इसको भी हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये तो हल्का है, तो कितना हल्का है, 1/1837। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब पूछूंगा तुमसे। ठीक है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन से भारी है, ये तो पता है, कितना गुना भारी है, 1837 गुना भारी है। ठीक, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का है, ये तो पता है, क्योंकि इस पर ऋण लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का तो है, परंतु कितना हल्का है, 1/1837 गुना हल्का है, ये अपेक्षित भार की बात, ये पूछा जाता है। ठीक, अब देखो, अब ये क्या है, ये नहीं बला क्या है, तो देखो मैं कहता हूं कि तुम है ना सब्जी लेके आओ, सब्जी लेके आए, अब कोई महंगी सब्जी होगी, जैसे पनीर हो गया, मान लो पनीर, 1 किलो पनीर में तो बहुत लोगों को खाना खिला सकते हो, आपको 2 जने चाहिए, आप 2 जने हो, खाना खाने के लिए क्या कहोगे, उसे क्या कहोगे, ऐसे थोड़ी कहोगे कि यार 1 किलो का 1/5 भाग दे दे मुझे, ऐसे थोड़ी कहोगे, ऐसे कहोगे ना कि 250 ग्राम दे दे, 200 ग्राम दे दे, 150 ग्राम दे दे, तो ग्राम से भी तो वजन नाप रहे हो और किलो से भी वजन नाप रहे हो, तो वही सेम कहानी है, केजी से तो नाप ही रहे थे, परंतु यार ये छोटी थोड़ा है ना अच्छा लगे, 250 ग्राम कहने में अच्छा लगता है, तो एक छोटी यूनिट और बना दी गई, जिसका नाम है AMU,
एटॉमिक मास यूनिट तेरे नाम पे बना दी मैंने एक नामकरण, एटॉमिक यानी परमाणु, मास यानी द्रव्यमान, यूनिट यानी इकाई, ठीक है, एएमयू, इसको एएमयू भी कहीं दिखा दिया, कहीं यू भी मिलेगा, है ना, एएम खा गए, खा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं। तो एएमयू में इसका जो वजन है ध्यान रखना, इसका वन ही होता है लगभग, इसका भी वन ही होता है, इसका ध्यान रखना ये कितना है 0.00548, ठीक है, पूछा नहीं जाता, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये बात हुई भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, इत्थे पगोता पे नारद नाचे, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, है ना, कमेंट किया करो, उससे हमें पता चलता है, दो मिनट लगेंगे, नीचे जाओ कमेंट करो, अभिव्यक्ति व्यक्त करनी चाहिए इंसान को, अभिव्यक्ति व्यक्त करनी चाहिए इंसान को। चलो मैं क्या कह रहा हूं, ई थे पगो ता पर नारद नाचा, ठीक है, चलो बढ़िया भाई। ई से क्या होता है इलेक्ट्रॉन, थे से क्या होता है थॉमसन, है ना, पगोता पगोता, प से क्या होता है प्रोटॉन, है ना, गो से क्या पढ़ते हैं गोते, गोता से क्या होगा गोल्ड स्टीन, ठीक है, पर पगोता हो गया, पर को छोड़ो, र से क्या हो जाएगा रदरफोर्ड, ध्यान रख सकते हो, रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीन दोनों की कहानी आती है प्रोटॉन में, ठीक है, ना से नाभिक, रद से रदरफोर्ड, बस इतना छोड़ो, एक और कर सकते हो इसमें ना, चलो ये नाभिक हो गया रदरफोर्ड, ना से क्या है न्यूट्रॉन, च से नाची से क्या है चेंडविक, बस इसी से पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। इथे यानी इथे पगोता, पगोता क्या होती है सीढ़िया होती है, जो हिंदी भाषी है उनको जो नहीं समझ में आ रहा वो बता दें, पगोता चढ़ना चाहिए इंसान को, पगोती सीढ़िया, सफलता की सीढ़िया, तो उसे मारवाड़ी में क्या कहते हैं पगोता, किरा सफलता, ठीक, पर नारद, नारद जी तो आप सब जानते हो ना, इन्नेरी बिन्ने करने में तकड़ा, नाचे नाचते रहते थे वो, ई ई ई से इलेक्ट्रॉन, खोज करता कौन थे, थे से थॉमसन, हो गया काम खत्म, प से क्या थे, प से प्रोटॉन था, प से प्रोटॉन, गो गोम से गोल्डस्टीन, गोता गोता से गोल्डस्टीन बना लो, पर प से फिर क्या आ जाता है प्रोटॉन आ जाता है, और प्रोटॉन में नामकरण देने वाले कौन थे रदरफोर्ड थे, ठीक है, ना से नाभिक, एक नई चीज होगी, नाभिक की खोज किसने की थी रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने तो बताया था अंदर कुछ सारा बार अंदर होता है उसको क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं, तो ना से नाभिक, रद से रदरफोर्ड, ठीक है, ना चे ना से न्यूट्रॉन, चे से चेंडविक, तो ये सारे जो है ना इनके याद हो जाते हैं, क्या याद हो जाते हैं, खोज करता खोज करता खोज करता खोज करता, ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ट्रिक कैसे लगी कमेंट में बताना भाई साहब, मस्त लगी तो जोरदार लगनी चाहिए, बनाई भी है ओरिजिनल था ओरिजिनल ओरिजिनल, ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं यार, क्योंकि आज कुछ चीजें हैं आपको वापस देखना चाहिए इस लेक्चर को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। अब कल बात क्या करेंगे, कल और बहुत 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 बातें हैं करने के लिए, जल्दी दो तीन लेक्चर में इसको खत्म कर दूंगा, थोड़ा लंबा चल रहा है, क्यों चल रहा है, आराम से पढ़ो यार, टाइम पड़ा है आपके पास, अच्छे से डिटेल में पढ़ो, ताकि क्वेश्चन थोड़ा अंदर से भी आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, दूसरा थोड़ा कहानी भी तो दिमाग में आनी चाहिए, बिना कहानी तो क्या क्या याद कर लोगे ना, एक एक नंबर के सीधे क्वेश्चन मैं दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, टेंशन मत लो, लास्ट में वो भी करेंगे, परंतु अभी थोड़ा समझने का प्रयत्न करो, ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, इंग्लिश की भी, और साथ में लगाएंगे आपके लिए बेहतरीन क्लास, किसकी किसकी लगानी चाहिए, हिंदी की, वो भी लगा देंगे। चलो इसके अलावा एक और चीज है, जो मैथ के क्लासेस नहीं देख रहे देखो जाके यार, सारा कोर्स कराया है उस पे, जाके प्लेलिस्ट पे जाओ, फर्स्ट ग्रेड मैथ देखो, सारे लेक्चर हैं, कितने हैं 16-17 लेक्चर हैं, 16-17 लेक्चर ब्रह्मांड ना 18 मतलब 8 घंटे का पूरा वो पैकेज है, 8 घंटे में पूरी मैथ खत्म हो जाएंगे, और इतना मजा आने वाला है, एकदम तरी वाली मैथ पढ़ाई है, ठीक है, और भी पढ़ाऊंगा उसमें तरी वाली, थोड़ी और तरी डालेंगे, है ना,
चलो नए हो फिर वापिस वही कह रहा हूँ, सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लेना, जो करना है वो कर लेना, आपकी इच्छा है भैया, हम ज्यादा जोर नहीं देंगे आपको। लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल वापिस आता हूँ सेम टाइम सेम जगह और सेम थोबड़ी के साथ, ठीक है? तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।